वेलकम टू डॉक्टर रिजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे मेटाजोलोन ड्रग के बारे में, जो कि एक डायुरेटिक ड्रग है। डायुरेटिक ड्रग क्या होती है? वो ड्रग जो यूरिन फॉर्मेशन और यूरिन आउटपुट को बढ़ा दें, मतलब यूरिन एक्सक्रीशन को बढ़ा दें। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले ड्रग कैटेगरी, देन केमिकल स्ट्रक्चर, उसके बाद IPSC नेम, उसके बाद मालकुलर फार्मूला, मालकुलर वेट, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉल्वेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, यूजेज, ऑफिशियल प्रिपरेशन, मतलब किस किस डोसेज फॉर्म में ये ड्रग अवेलेबल है, और लास्ट में पॉपुलर ब्रांड नेम, मतलब मार्केट में किस नाम से ये अवेलेबल है। अगर हम बात करें मेटाजोलोन जो ड्रग है वो किसका डेरिवेटिव है, तो इट इज़ ए क्यूनाजोलिन डेरिवेटिव ड्रग। क्यों? क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में क्यूनाजोलिन न्यूक्लियस पाया जाता है। यह क्यूनाजोलिन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, क्यूनाजोलिन रिंग का स्ट्रक्चर। ये बेंजीन होती है, उसके साथ पायरिमिडीन होती है। ठीक है, नंबरिंग इसकी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग कैटेगरी क्या है। थायाजाइड लाइक डायुरेटिक, डायुरेटिक पहले बता चुका हूँ मैं आपको। केमिकल स्ट्रक्चर इसका ये है, इसमें नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे क्लोरो है, 7 पे, 6 पे सल्फोनामाइड कह लो या सल्फोमोइल ग्रुप, 4th पे ऑक्सो, ठीक है, और 3rd पोजीशन पे क्या है, टोलाइल, मतलब टोलुइंडेरी। ये बेंजीन प्लस मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और मिथाइल किस पे, ऑर्थो पोजीशन में, ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, और सेकंड पोजीशन पे भी क्या है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब बात करते हैं इसके IPSC नेम की। 7 पे क्या है, क्लोरो, 7 क्लोरो, 2 पे क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल, और 4 पे क्या है, ऑक्सो, ये क्या है, ऑक्सो, ये ग्रुप कौन सा है, ऑक्सो, और 3 पे क्या है, टोलाइल, आपको वो भी कौन सा, ऑर्थोटोलाइल, 3 पे क्या, ऑर्थोटोलाइल। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे हट गया, ठीक है, और यहाँ पे भी हट गया, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन लग गए दोनों जगह, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने लगे, 4, 1, 2, 3 और 4, तो इसीलिए 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो क्यूनाजोलिन। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सेचुरेशन हो गया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टेट्राहाइड्रो क्यूनाजोलिन, और 6 पे देखिए क्या है, सल्फोनामाइड, 6 पे क्या है, सल्फोनामाइड। ठीक है, ये था IPSC नेम। देन मालकुलर फार्मूला C16H16Cl N3O3S, मालकुलर वेट 365.83। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका जो कलर होता है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये। ऑर्डर कोई नहीं होता इसका, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट टेस्टलेस होता है, मतलब कोई टेस्ट नहीं होता। सॉल्वेबिलिटी स्प्रैंगली सॉल्वेबल इन वाटर, अल्कोहल, पानी और अल्कोहल में लेस सॉल्वेबल होते हैं, मतलब कम सॉल्वेबल होता है। सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है, लाइक कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, इथेनॉल, DMF, DMSO, ठीक है, DMF की फुल फॉर्म होती है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, और DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, सल्फो, मेल्टिंग पॉइंट 260 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, इज सेंसिटिव टू लाइट, इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ठीक है, इसको कहाँ रखेंगे, एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट रखेंगे। यूजेज, इट इज यूज एज डायुरेटिक, इसके रूप में यूज करेंगे, डायुरेटिक के रूप में। इट इज यूज टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर एंड किडनी डिजीज, किडनी डिजीज और हार्ट फेलर के द्वारा जो फ्लूड रिटेंशन होता है, स्वेलिंग होता है, उसको कम करने के लिए ड्रग यूज की जाती है। इट इज प्राइमरी यूज टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को
ट्रीट करने के लिए इसको मेनली यूज करते हैं। ऑफिशियल प्रिपरेशन मतलब मार्केट में किस कौन कौन से डोसेज फॉर्म है वो टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल होती है। पॉपुलर ब्रांड मतलब मार्केट में किस किस नाम से अवेलेबल है, माइक्रोक्स, मेटोज, मेटोलैज, मेटेनिस, जाइटेनिक्स, जेरोक्सोलिन, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जिनके नाम से मार्केट में अवेलेबल।